इसके बाद दोनों टीमों को तैयार रहना है, मायरा इंटरप्राइजर्स और देवेश रॉयल्स, तीन तीन ओवर का मैच रहेगा, अगले मैचेस तीन तीन ओवर के। फोर्टी प्लस क्रिकेटर कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस जीपीएल में। देखिए सभी मैचेस चार चार ओवर के रहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ये निर्णय है। हमारे बीच अभिषेक थलेस, आप जहां कहीं हो आपको तुरंत ही संपर्क करना है। रुपेश अरड और तेजस थले की तरफ से चौकों की हैट्रिक के लिए दीपक थले को ₹1,000 का इनाम है। विश्वास वाघ और दीपक थले दोनों ओपनर बीच मैदान पर। बल्लेबाजी मूड़िया लेजेंड्स, जबकि गेंदबाजी के लिए बिंदास ब्लास्टर की तरफ से निखिल आए हैं। पहली गेंद स्वीप कर दिया है लेकिन फील्डर मौजूद है, ओवर थ्रो हुआ है, दो रन बने हैं, फिर गेंद बाहर गई है, तीसरे के लिए जा रहे हैं। ये देखिए आबा दुबी क्रिकेट, लाठी चार्ज क्रिकेट। प्लेस पवेलियन में बैठना है प्लीज लेजेंड्स, आपको प्लेस पवेलियन में बैठना है। मायरा इंटरप्राइजर्स और देवेश रॉयल के कैप्टन टॉस के लिए तैयार है अगला मैच। अच्छा ड्राइव, ओ क्या गजब की फील्डिंग है, क्या गजब की फील्डिंग है, दो रन अपने टीम के लिए बचाते हुए विक्की, वैसे भी बड़ा नाम है। इस मरतबा देखना है नो बॉल का इशारा है अंपायर का। 1+1 दो रन और स्कोर में आते हुए स्कोर 7 पे पहुंचा है। अच्छी गेंद ऊपर खेल बैठे, बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट, बाई का एक रन। मूड़िया लेजेंड का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा एक रन, चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। 9 पे पहुंचा स्कोर। बॉल अंदर आई थी, गेंद बोल्ड कर गई, पहला विकेट जाता हुआ दीपक थले। नए बैटर मैदान में अक्षय पाटिल आए, सामना करें निखिल का। निखिल अच्छा ड्राइव, गेंद गैप में गई है, क्या एफर्ट है वहां पर, अपने टीम के लिए रन भी बचाए और रन आउट भी किया, डाइव करके उस गेंद को रोका था, बहुत ही गजब की फील्डिंग। एक रन बना, एक रन बनाए, दूसरे पे आउट हुए हैं, कुल मिलाकर 10 रन पहले ओवर में आते हुए मोरिया लेजेंड के। जीपीएल में मुकाबला चल रहा है मोरिया लेजेंड और बिंदास ब्लास्टर का। गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है प्रेम पाटिल, नए बैटर
अल्पेश इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव था, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग प्रेम की, प्रेम फिर से अच्छा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी हैं, एक रन, रन 11 पे पहुंचे मोरिया लेजेंड्स के। कदमों का इस्तेमाल और आउट, अल्पेश आउट होके जा रहे हैं विकेट नंबर 2। नए बैटर हरेश मडवी आए हैं, आइकॉन प्लेयर है और जिम्मेदारी भी आइकॉन की बढ़ गई है, रन नहीं आ रहे मोरिया लेजेंड के लिए। लेजेंड को लेजेंडरी क्रिकेट खेलना होगा। इस मरतबा इनसाइड आउट खेला है, एक रन स्कोर आगे सरकता हुआ मोरिया लेजेंड्स का पहुंचा है 12 रन 3 विकेट। अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट पे, 4 रन। सोलह पे पहुंचा है स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पे, 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, लॉन्ग ऑन मौजूद है, एक रन 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अगली दो टीमों को टॉस बॉक्स से रिपोर्ट करना है, मायरा एंटरप्राइजेस और देवेश रॉयल्स। दोनों के कैप्टन को तुरंत ही टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। सभी मुकाबले 4-4 ओवर के रहेंगे। प्रेम ने अपने ओवर में कितने रन दिए? 7 रन दिए, 1 विकेट लिया। तुषार पाटिल की तरफ से संतोष पाटिल को एक खंभा। अच्छा, तुषार पाटिल ने जो मैन ऑफ द मैच लिया, संतोष पाटिल ने उनको खंभा दिया है, लेकिन वो पर्दे के पीछे दिया जाएगा। अच्छा ड्राइव, हवा में स्ट्रोक है लेकिन आउट हो गए। सत्रह रन 4 विकेट भावेश। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, फील्डिंग बहुत लाजवाब हो रही है, एक रन बिंदास ब्लास्टर की। हरेश मडवी, अच्छा ड्राइव, कोई मौका नहीं, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, 4 रन। ये लीग मैच है, हरेश मडवी और कैलाश मडवी भाई भाई हैं, लेकिन अपोजिशन है। बहुत ही बढ़िया ड्राइव किया था, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा था गेंद को, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, 4 रन। फिर से आगे बढ़ के सीधा ड्राइव है, कोई मौका नहीं, एक और चौका। छब्बीस रन 4 विकेट, लेजेंड्स अब बल्लेबाजी करते हुए मोरिया लेजेंड्स। ओ माय गॉड, बहुत ही कड़क शॉट था, हालांकि हाथ जरूर लगा था वहां पे, इस तरह के कैचेस लिए नहीं जाते, हाथों में बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं। बॉल, एक और विकेट, 9 बॉल है, बच गए। इसे कहते हैं किस्मत, आपकी किस्मत अच्छी हो तो आप आसमान से गिरते हैं तो खजूर में अटकते हैं, और किस्मत खराब हो तो आप ऊंट पे भी बैठे तो चूटी काट ले। रन कितने आए? रन अंपायर, अंपायर चौका गया था बोल्ड होने के बाद। यस, बाउंड्री को तो गई थी गेंद। यस, कुल मिलाकर 5 रन। देखिए अंपायर से आर्गुमेंट ना करें, क्योंकि बोल्ड होने के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। 5 रन तोहफे के आते हुए, अच्छा स्ट्रोक है
लेकिन क्या फील्डिंग कर रहे हैं आज। कपड़े गंदे हो जाए तो सर्फ एक्सल है ना, लगातार डाइव लगा के फील्डिंग कर रहे हैं। खिलाड़ी भी बहुत खास हैं, विराज माली बिल्कुल हाइट को देखे तो साइमन टफल की याद आती भी। कुल मिलाकर ओवर समाप्त होते हुए 3 रन बने, 33 विकेट गिरी है, 4 विराज माली। ओ अंदर आई गेंद, बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट, 22 के 4। इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आपको नाचते नहीं आता है तो आप आंगन को टेढ़ा नहीं कह सकते हैं। एक और वेलकम बाउंड्री आती भी, स्कोर 37। अच्छा स्कोर बना लिया है लेजेंड्स ने। अगली 2 टीमें तुरंत ही टॉस बॉक्स से जुड़ जाएं, मारिया इंटरप्राइजेस और देवेश रॉयल्स। इस मरतबा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, रूम बना के खेलना चाहते थे। गेंद वाइड ऑफ, लॉन्ग ऑन गई, 1 रन, 38 पे पहुंचा है स्कोर। ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है विराज की, बीट किया बैट्समैन को। इस मरतबा ड्राइव किया है 4 रनों के लिए। पे पहुंचा है स्कोर, अच्छा टोटल बना लिया है विराज माली। कितनी गेंदे बची है डेथ ओवर में दोनों कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है आपके लिए, टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। बहुत ही खड़क शॉट है, बुलेट है, अंपायर बताइए 4 है ना, यस। एक और गेंद कवर बाउंड्री के अंदर ही रोका है, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए, तीसरे के लिए जा रहे हैं और यहां पर बैट्समैन आउट। तो कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति पे धन्यवाद डीजे, 48 बने, 49 का लक्ष्य रखा है बिंदास ब्लास्टर के सामने। चलते हैं अगले टॉस की तरफ। दोनों टीमों के कैप्टन मायरा इंटरप्राइजर्स और देवेश रॉयल्स के कैप्टन मौजूद हैं इस टॉस के लिए। मायरा इंटरप्राइजर्स और देवेश रॉयल्स, जयराम पाटिल साहब से रिक्वेस्ट है कि उनके हाथों से हम टॉस कर रहे हैं। जयराम पाटिल जी, आपके हाथों से हम टॉस कर रहे हैं। जयराम पाटिल साहब के हाथों से टॉस हो रहा है। उन 50 का लक्ष्य है, 49। मायरा इंटरप्राइजेस ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। रुपेश अरड, किशोर वाकरे साहब और भगवान पाटिल साहब, तीनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तीनों से निवेदन है कि आपको हमारे मंच पे आना है, जीपीएल में आपका हार्दिक स्वागत है। खेल की शुरुआत होती भी लक्ष्य है 49 रनों का।
दोनों अपना बीच मैदान पे फील्डिंग लगाना है प्लीज। रोनित मडवी जहां कहीं हो आपको स्टेज के सामने आना है, आ जाइए। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आए हैं, कैलाश मडवी और उनके साथ प्रेम पाटिल। कैलाश मडवी 40+ गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है। गेंदबाज निर्दोष पाटिल को सामना करेंगे। कैलाश मडवी अच्छा टोटल 49 रनों का रखा है बिंदास ब्लास्टर के सामने मोरिया लेजेंड्स ने। बॉलिंग में कौन आ रहा है? खेल की शुरुआत, गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे निर्दोष पाटिल। सोहम नॉन स्ट्राइक पे हैं। कैलाश मडवी सामना करें निर्दोष पाटिल का। 49 का लक्ष्य, पहली गेंद खोद के निकाला ऑन साइड में एक रन। एक से खाता खुला, कैलाश का खाता खुला ब्लास्टर का। बिंदास बल्लेबाजी करना होगी बिंदास ब्लास्टर को। बढ़िया गेंद बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर निर्दोष पाटिल। आगे बढ़ के नो बॉल है, एक रन आता हुआ 1+1। दो रन अपने सर पे रख दिए निर्दोष ने, दोषी करार दिए गए हैं नो बॉल के लिए। ऑन ड्राइव किया फील्डर है, एक रन 4 पे पहुंचा स्कोर। ओवरथ्रो हुआ है और 5 रन बिना किसी विकेट के बिंदास ब्लास्टर 5 विदाउट लॉस। स्वीप लगाने की कोशिश, लॉन्ग लेग पे गेंद गई है। फुटबॉल खेला है, जहां पे एक रन था वहां 4 दिए हैं। अच्छी फील्डिंग, निर्दोष पाटिल भी सोच रहे हैं कि मुझे दोषी बना दिया है। यहां पर एक रन था, निर्दोष का दोष नहीं था, फील्डर का दोष था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पे पहुंचा है 9। किंग स्कोर अल्पेश गायकवाड इस साल काफी देर मेरे साथ हैं। स्वीप किया है लेकिन बढ़िया फील्डिंग, एक रन 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। 10 पे पहुंचा है स्कोर। ये मैच बहुत ही कट टू कट जा सकता है। रिवर्स खेलने की कोशिश, बढ़िया ओवर निर्दोष पाटिल का। एक ओवर 10 रन बचे हुए, 3 ओवर में 39 चाहिए मैच को जीतने के लिए बिंदास ब्लास्टर को। अगला मैच मायरा इंटरप्राइजेस ने टॉस जीता और देवेश रॉयल्स को बल्लेबाजी की दावत दी है। उसके बाद हितांशी इंटरप्राइजर और सीताराम स्पोर्ट्स इस मरतबा देखना है बल्ले को लगी है नहीं। एक रन आता हुआ गेंदबाजी में आए दीपक पाटिल, एक रन से 11 पे पहुंचा है दीपक थले। इस मरतबा वाइट, अच्छा फैसला, 12 रन बिंदास ब्लास्टर। इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, एक रन और आता हुआ स्कोर में 13 पे पहुंचा स्कोर 13 रन
बिना किसी विकेट के। कड़क पुल लेकिन आउट। तेरा पे पहला विकेट गिरता हुआ, नए बैटर बाएं हाथ के आए हैं बैट्समैन। बाहू पटोले पटवले पटोले की विकेट पाड़ना होंगी क्योंकि पटोले बहुत अच्छे बैट्समैन है। तेरा पे पहला झटका लगा है, बहुत जोश में नजर आ रहे हैं दीपक तले। कहते हैं कि क्रिकेट में जोश और होश दोनों चाहिए। स्वीप किया है, बहुत खूबसूरत शॉट, चार रन। वाह भाऊ पटोले, कमाल का शॉट, चौकी की मदद से 17 पे पहुंचा है स्कोर। भावेश पटोले सामना कर रहे हैं थले का, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है गेंद को, लॉन्ग ऑन पे चार रन। बैक टू बैक दूसरा चौका आता हुआ स्कोर 21 पे पहुंचा है। अच्छी वापसी की है बिंदास ब्लास्टर ने। पटोले बोल्ड, लेकिन क्या बेस नहीं गिरी है, बेस नहीं गिरी है, जली जरूर थी लेकिन गिरी नहीं। देखना है बेस नहीं गिरी है, कोई भी बाहर से कुछ नहीं कहेगा। चौका नहीं था, अंदर रोका था, अंदर रोका था, चौका नहीं था, लेकिन इसको कहते हैं किस्मत। मुझे लग रहा है कि भावेश पटोले जेब में किस्मत की पूरी लेके आए हैं। जिस तरह से वो आउट नहीं हुए, किस्मत की पूरी लेकर आए हैं। दो ओवर की समाप्ति, रन बने 22, आप 12 गेंदे 27 रन, बहुत ही कट टू कट मुकाबला। लेकिन जब तक भावेश पटोले रहेंगे, सरदर्द बना रहेगा टीम मोरिया लेजेंड्स का। खेल शुरू करना है प्लीज। चौका नहीं था, चौका नहीं था, गेंद अंदर फील्ड हुई है, चेक कर दिया है तीसरे अंपायर ने। खेल की शुरुआत, भावेश पटोले पे नजरें, 12 गेंदे 27 रन। हरेश आए गेंदबाजी के लिए, हरेश मडवी, पहली गेंद लॉन्ग ऑफ पे ड्राइव, वाह क्या फील्डिंग है, जाने का रास्ता दिया चार रन। वो तो ठीक है कि आज सिद्दीक बाबे दशरथ पाटिल कल आने वाले हैं, वो कहते इस फील्डिंग पे पिशवी दयाला पाइजे, कल बहुत कुछ होगा। कल हो सकता है रेशमा मैकर भी रहे आपके साथ। डाउन टू लेग साइड शुड बी अवॉइड, 5 रन तोहफा, एक गेंद में 9 रन आए। और अल्पेश गायकवाड़ बता रहे हैं कि अब इक्वेशन क्या है, 11 में 18। ओ इस मरतबा गजब का कट शॉट, 4 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं भावेश पटोले, अब 10 गेंदे और 14 रन, कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। 4 चौके लगा चुके हैं इस मरतबा, बल्ले के फेस को खोला, स्टीयर किया, गिरते पड़ते गेंद को उठाया, 2 रन पूरे। इन 2 रन से ब्लास्टर बिंदास बल्लेबाजी करती हुई
बिंदास बलास्टर 37 पे पहुंचा है स्कोर, अब 9 गेंदे 12 रन। मैच बहुत ही कट टू कट जा रहा है। अच्छा शॉट, फिर एक रन लिया, फिर फंबल किया है, 2 रन पूरे हुए हैं, ओवर थ्रो हुआ है। अब गेंदे बची है, 8 रन चाहिए 10। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला जीपीएल में आप देख रहे हैं, 8 गेंदे 10 रन। हमारे बीच मानी श्री प्रभाकर पाटिल साहब का आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत है जीपीएल में। वहां पर बल्लेबाज रन आउट होके जा रहे हैं, अब गेंदे बची है 7 और रन चाहिए 9। नए बैटर प्रेम पाटिल आए हैं बल्लेबाजी को। जीपीएल का आज का ये छठा मुकाबला आप देख रहे हैं, 7 गेंदे 9 रन। अच्छी गेंद, बीट किया, ये मुकाबला बहुत ही कट टू कट, थ्रिलिंग क्लाइमैक्स, बराबरी का मुकाबला चलता हुआ। गेंदे बची है 6 और रन चाहिए 7। मोरिया लेजेंड्स और बिंदास ब्लास्टर के बीच में ये मैच चल रहा है। गेंदबाजी के लिए अल्पेश पडोले और सामने भावेश पडोले, भाई भाई, ये पारिवारिक लड़ाई, कौन हावी होगा। ओ कहां पे गेंद किए इन्होंने, कहां पे गेंद किए, सर खुजा रहे, भूल गए कि दूध से दही एक बार बन गया तो दही से दूध नहीं बनता। पहली गेंद ने मैच गवा दिया है। अच्छा ड्राइव, इसके साथ ही मैच जीत लिया है बिंदास ब्लास्टर ने। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी भावेश पडोले, चौकों की झड़ी लगा दी।